फ्लिपकार्ट के बारे में कुछ। ये वीडियो बेसिकली नहीं, एक्चुअली पूरा ही सेलर लोगों के ऊपर है। इट्स दिस वीडियो इज़ मेड फॉर द सेलर। मैं कुछ दिन से मैं एक नया सेलर हूँ फ्लिपकार्ट पे। इट्स नॉट माय मेन बिजनेस, शौक है थोड़ा। देखता हूँ बिजनेस दिमाग में घूमता है, मैं बोला चलो शौक पूरा कर लेता हूँ कि क्या है बिजनेस। तो फ्लिपकार्ट में भी मेरा बिजनेस चलता है, अमेज़न में भी मेरा बिजनेस चलता है। तो आज का टॉपिक है फ्लिपकार्ट को लेकर। क्या आप लोगों को फ्लिपकार्ट में बिजनेस करना चाहिए या नहीं चाहिए? मेरा जो एक्सपीरियंस है, और आप अगर यूट्यूब फॉलो करते हो तो आज के तारीख में बहुत सारा जो बिगिनर्स है और थोड़ा बहुत बिजनेस को आगे लेके गया है, ये इवन जो प्रोफेशनल हो गया है इस बिजनेस पे, सबके लिए एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो है ना, वो है क्लेम करना कोई भी सामान। वो सामान डैमेज आए या रिटर्न आए या डिलीवरी हुआ ही नहीं है, वो रिटर्न आ रहा है। और साथों साथ फ्लिपकार्ट का जो बायर है, बायर कितना जेन्युइन है और फेक बायर कितना है, इस सब को लेके एक वीडियो बनाऊंगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट दे दो मुझे, मैं बता देता हूँ। और कृपा करके आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक बटन को क्लिक कर लो, क्लिक बटन को लाइक कर लो, जो भी है। क्यों मैं बताता हूँ, एक्चुअली मैं ये वीडियो कुछ दिन से बनाऊंगा सोच रहा था, बाद में बोर, मतलब आई फील लाइक इरिटेटिंग, चल छोड़ यार बना के क्या फ़ायदा होगा। तो लास्ट नाइट मैं एक वीडियो देखा यूट्यूब में, जिसमें एक बंदा बोल रहा है कि वीडियो बनाओ, जितना हो सके वीडियो बनाओ। हाँ, व्यू नहीं आएगा मत आने दो, एक सर्टेन टाइम आएगा, व्यू आएगा, सब्सक्रिप्शन भी हो जाएगा और आपको पैसा मिलेगा। तो मैं बोला हाँ ये अच्छा है ना। मैं जब दोपहर को ऐसे ही बैठा हूँ, जब मैं जाके अभी थोड़ा सो जाता हूँ, थोड़ा ये टाइम इधर ही स्पेंड क्यों ना कर दूँ, ताकि इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ। इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है ये कोई ऐसे मतलब बक दिया वाला नहीं हो रहा है, इन्फॉर्मेटिव बनने वाला है। जो सभी सेलर का प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम का हल भी मेरे पास है, जैसे मैं स्मार्ट गेम खेलता हूँ, तो उसके बारे में। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़, एंड पूरा वीडियो को देखिए, मज़ा आने वाला है। स्टोरी ऐसा है कि फ्लिपकार्ट में आपको बिजनेस क्यों नहीं करना चाहिए, और अगर आपको बिजनेस करना है तो कैसे करें। फ्लिपकार्ट में आपको इसलिए बिजनेस नहीं करना है कि फ्लिपकार्ट जो है, जो फ्लिपकार्ट का जो पॉलिसी है, जब आप एक सेलर बन के रजिस्टर्ड हो जाते हो, जब आप सामान या आपका जो प्रोडक्ट है उसको बेचने के लिए रेडी हो जाता है, आपका साइट भी रेडी हो जाता है, आप रेडी हो जाता है, मतलब यू आर गुड टू गो। तो हम में से बहुत लोग हैं, इवन मैं खुद, ये ज़्यादा क्या लिखा हुआ है फ्लिपकार्ट पॉलिसी क्या है, ये क्या है, वो क्या है, मैं नहीं पढ़ा, ना कोई पढ़ता है, मैं गारंटी के तहत बोल सकता हूँ 90% लोग नहीं पढ़ता है, फंसता है तब पढ़ता है। तो बेसिकली इन लोगों का ओवरऑल जो है ना पॉलिसी, वो पॉलिसी नहीं पढ़ो तो अच्छा ही है, भूल जाओ, मैं जो बोलता हूँ वो सुन लो। इन लोगों का पॉलिसी ये है, आपका सामान जब बिक जाएगा उसका जो कमीशन है वो हम खा लेंगे। 100 रुपये में से अगर आप कोई सामान 100 रुपये में बेचते हो और 10 रुपये में खरीदते हो, ऐसे ही होता है, 10 रुपये का सामान फ्लिपकार्ट में 100 रुपये में बेचते हैं, उसके पीछे रीज़न भी है। और व्यूअर्स जो सुन रहे हो ना, जो खरीदने वाले मतलब बायर्स, वो भी ज़्यादा चौको मत के बहुत पैसा बनाता है, ऐसा कुछ नहीं है। सो 10 का प्रोडक्ट 100 में बेचता है तो 90 प्रॉफिट, 90 में से स्ट्रेट वे 40 माइनस कर दो पैकेजिंग एंड कुरियर के लिए, तो हो गया कितना, 50 रुपया। अभी 50 रुपया में से आपको 90 रुपीज़ में से 20% जो बिगिनर है, 15 से लेके 25 तक, मैं 20 पकड़ लेता हूँ, 20% तो फ्लिपकार्ट खा लेता है। फ्लिपकार्ट का कमीशन है, उन लोगों का फिक्स चार्जेस है, कमीशन है, GST लगता है कमीशन के ऊपर, तो ये कुल मिला के 20% पकड़ के आप चलो, तो 90 का 20% हो गया कितना, 18 रुपया। तो कितना रह गया आपका, 20 बात छोड़ देते तो 72 रुपीज़ में से आपको कुरियर चला जाता है 40 रुपया, रह गया कितना, 30 रुपया आपका प्रॉफिट है।
तो 10 रुपया का प्रोडक्ट 100 रुपया में बेच के आपको आएगा 30 रुपया। कभी कभी तो और भी कम आता है, अगर आप डीप कैलकुलेशन करोगे, लाइक प्रिंटर कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, आप टाइम दे रहे हो उसका कॉस्ट, और ये आपका कोई एम्प्लॉय नहीं कर रहा है, आप खुद कर रहे हो, एकदम छोटा सा नन्ना सा बिजनेसमैन हो जैसे मैं हूँ, तो कुल मिला के 30 रुपया आपका जेब में आता है। तो आप बोलोगे हाँ चलो ठीक है, हाँ ठीक है, अगर ये डील क्लियर होता है तो ठीक है, अगर नहीं क्लियर होता है ना तो आपको पूरा ही नुकसान है। कैसे, मैं वो बताता हूँ। जैसे कि कोई कस्टमर आपके पास से ख़रीदा, वो लिया, फ्लिपकार्ट का पॉलिसी ऐसा है कि कस्टमर को सपोर्ट करो, मतलब ये एक्चुअल पॉलिसी है जो लिखा हुआ नहीं है, इन लोगों का मेन पॉलिसी में ही है कस्टमर, चाहे कितना भी कुछ भी हो ना, कस्टमर इज़ राइट, कस्टमर भगवान है, कस्टमर को, कस्टमर के साथ खड़े हो जाओ। हाँ सर कोई बात नहीं सर, डिलीवरी ले लेता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ, क्यों, किस लिए, क्या रीज़न, ज़्यादा पूछता ही नहीं है तो कर देता है। तो जब रिटर्न होता है ना, वो आपको बहुत महंगा पड़ता है, आपके जेब से 30 रुपया जाएगा, आएगा कुछ नहीं, और आप सवाल करोगे ना फ्लिपकार्ट वाले को, भाई क्या ऐसा क्यों हुआ, तो इन लोगों का जो SS मतलब सेलर सर्विस रहता है ना, उन लोगों का एक ही डायलॉग है, सर ये फ्लिपकार्ट का पॉलिसी है, सर ये फ्लिपकार्ट का पॉलिसी है, सर ये फ्लिपकार्ट का पॉलिसी, अरे भाई पॉलिसी क्या है, पॉलिसी उस पॉलिसी में तो हम भी आते हैं, नहीं सर ये फ्लिपकार्ट का पॉलिसी है, ये बोलेगा इतना बार बोलेगा, आपका दिमाग सट जाएगा, बोलोगे भाई चलो ठीक है दूसरे में कोशिश करता हूँ। तो चलता है ऐसा ही बिजनेस चलता है। तो जिसके लिए एक प्रोडक्ट इतना महंगा हो जाता है, क्योंकि एक सेलर जब कोई भी आइटम सेल करता है, वो 10 का सामान 50 में भी सेल कर सकता है या 70 में भी सेल कर सकता है, मार्जिन कम रख के, ठीक है, लेकिन क्यों नहीं करता है, इज़ बिकॉज ऑफ जब वो चीज़ रिटर्न आता है ना, क्योंकि फ्लिपकार्ट में, आई एम सॉरी टू से, फ्लिपकार्ट में 100 में से 30% जो कस्टमर है ना, वो ऐसा अत्था गहरा नत्थू नहरा, मतलब चिटिंग में माहिर है, वो आपका सामान पर पहनेगा, यूज़ करेगा, रिटर्न करेगा, फिर दूसरा सामान दे देगा आपको, ऐसा ही करेगा। और इन लोगों को पता है कि फ्लिपकार्ट कोई एक्शन लेने वाला है नहीं, और मज़ा करते हैं। अमेज़न में ये चीज़ नहीं है, अमेज़न में इसका परसेंट है, लेकिन इसका परसेंटेज बहुत कम है, बहुत कम है। और फ्लिपकार्ट में क्या है, आपको मतलब कोई भी वीडियो आप देखोगे ना, जो लोग सेल करते हैं, मैं सबको मोस्टली फॉलो करता हूँ एंड आई लाइक देम, सभी ने बोलता है कि 25% आपका रिटर्न आएगा। और मैं आज के तारीख में, मेरा 3 महीना हो गया, मैं कुछ 5,000 का सामान बेचा है मार्केटिंग, मतलब सेल हुआ है, जो रिटर्न भी हुआ इंक्लूडिंग, उसमें से मैं देखा 25% का रिटर्न है। वो कुरियर डिलीवरी नहीं हुआ, या तो फेक एड्रेस था, या तो कस्टमर लिया 2 दिन के बाद रिटर्न कर दिया, ऐसा करके 25% का रिटर्न है। तो ठीक है, दैट इज़ डिफरेंट। तो प्रॉब्लम क्या है, सेलर सपोर्ट का प्रॉब्लम है। सेलर सपोर्ट का कैसा प्रॉब्लम है, मैं एक रिसेंट केस बताता हूँ जो मेरे साथ हाल ही में हुआ है, एक्चुअली आज ही मेरे साथ बात हुआ है। वो सीन ऐसा था, मैंने एक प्रोडक्ट बेचा जो था, मैं कस्टमर का नाम भी बोलता हूँ, दीपेश बशीर फ्रॉम पिटलवाड समवेयर इन MP, और ये कस्टमर जो है फेक है, मैं कन्फर्म हूँ फेक है। अभी मैं कैसे कन्फर्म हूँ, क्योंकि मैंने ऑर्डर किया, मैंने मतलब बंदे ने ऑर्डर किया, मैंने नेक्स्ट डे उसको डिस्पैच कर दिया, सामान गया वहाँ पे, सामान जब आउट ऑफ डिलीवरी दिखा रहा है मेरे ट्रैकिंग में, उस बंदे ने उसको पिकअप नहीं किया, उसको कैंसिल कर दिया, तो वो रिटर्न आ गया। अभी ये जो आइटम रिटर्न आता है ना, मैं देख रहा हूँ कि आइटम दिखा रहा है कि मेरे लोकल हब में पड़ा हुआ है, मतलब आ गया है एक्सेप्टेड, तो मेरे पास वो रिटर्न नहीं आ रहा है, और गेम यहाँ पे ही शुरू होता है। मेरा तकलीफ फ्लिपकार्ट से यही जगह पे है। अभी इनका जो डिलीवरी बॉय है, ये मेरे साथ एक पहले भी एक प्रोडक्ट में किया था, इस बार भी किया, ये क्या करता है, उस प्रोडक्ट को उठाएगा, उसको स्कैन मार के दे देगा कि ये आइटम सेलर को रिटर्न हो गया है, और आपके सेलर के फ़ोन में SMS आ जाएगा कि आइटम रिटर्न। आप कस्टमर केयर में बताओगे, भाई मेरा तो सामान आया नहीं है, ऐसा ऐसा है, तो कस्टमर क्या बोलेगा, सेलर सपोर्ट का एक मज़ेदार रिप्लाई है, सेलर सपोर्ट बोलेगा, नहीं सर वी हैव अ प्रूफ, हमारे पास प्रूफ है, POD का प्रूफ है। मैं बोला क्या प्रूफ है, मतलब जब मेरे पास आया ही नहीं, कोई बंदा आया ही नहीं है, तो क्या प्रूफ है। बोलता है नहीं सर आपका डिजिटल सिग्नेचर है, गेम यहाँ पर शुरू होता है, डिजिटल सिग्नेचर।
और मोबाइल में एक ऐसा करके, तो मेरे को एक ऐसा करके सिग्नेचर भेजा। मैं बोला यार ये तो मेरा सिग्नेचर है नहीं। नहीं सर ये आपका सिग्नेचर है। मैं बोला ये मेरा सिग्नेचर है ही नहीं, और मैं अगर आ गया है मेरे पास सामान तो मैं क्यों क्लेम करूँ कि मेरा सामान आया नहीं है। नहीं सर आपका आया है। तो मैंने उसको बोला कि देखो ऐसा स्टोरी है, ये चीज़ मेरे साथ पहले भी हो चुका है जिसके लिए मुझे पता है। स्टोरी ऐसा है, मैं सेलर सपोर्ट को ये बताया कि ये बंदे लोग ऐसा करता है, आप लोगों को मैसेज कर देता है और वो लोग डिलीवरी देता नहीं है। उन लोगों को जब फ़ोन करता हूँ ना तो वो लोग बोलता है कि सर मैं नेक्स्ट पिकअप के लिए जब आऊँगा तब मैं आपको दे दूँगा। तो चलो ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग रहता है, और वो लोग जब आएगा तब देता है, कभी कभी भूल जाता है। तो इस बार मैंने इस बंदे को कॉल किया था, तो इस बंदे ने बोला हाँ सर मेरे पास है, तो मैंने इंतज़ार किया। बाद में जब पिकअप के लिए आया तो आके मेरे को बोला सर वो गुम हो गया है, वो मिल नहीं रहा है। लेकिन ऑलरेडी फ्लिपकार्ट को क्या पता है कि ये तो सेलर को दे दिया है वापस। तो कुरियर पर्सन इज़ वेरी ट्रू, वेरी मतलब भगवान है, और उन लोग कोई क्रॉस वेरिफिकेशन उन लोगों के साथ कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता है। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है आप मेरे को ये प्रूफ करो कि वो सिग्नेचर मेरा ही है। तो ये बोलता है कि मतलब एक अजीब सा लॉजिक नहीं है, नहीं सर ये आपका ही सिग्नेचर है, आपने ही सिग्नेचर किया है। तो मैं बोला भाई मैंने किया नहीं, मेरे पास सामान आया नहीं। अगर मेरे पास सामान आता तो मैं आपको क्यों फ़ोन करके मेरा टाइम बर्बाद करता। नहीं सर ये आपका सिग्नेचर है। मैं बोला तो प्रूफ करो ना मेरा सिग्नेचर है। देन शी सेड सर आप प्रूफ करो कि आपके पास सामान नहीं है। तो मैं अभी उसको क्या जवाब दूँ, तो मैं उसको अभी क्या जवाब दूँ कि जब मैं कंप्लेन कर रहा हूँ मेरे पास सामान नहीं है तो वो मुझे से प्रूफ मांग रहा है, और उसके पास एक फेक सिग्नेचर है, मैं प्रूफ मांग रहा हूँ कि वो सिग्नेचर ट्रू है फेक है, वो मेरे को बताओ कि ये फेक नहीं है ये प्रूफ करो। तो बोलता है नहीं ये प्रूफ सही है। तो बेसिकली ये है कि इन लोगों का क्या चक्कर है, फ्लिपकार्ट वाले का एक नेटवर्क है, मतलब अपने पूरे देश में तो बहुत सारा स्कैम होता ही है, ये भी एक तरीके का स्कैम है। ये स्कैम कैसा है, जैसे ये सामान सोल्ड आउट नहीं हुआ है, ठीक है, तो सोल्ड आउट नहीं हुआ है मतलब फ्लिपकार्ट को कोई कमीशन वगैरह कुछ नहीं मिला है, नथिंग। तो फ्लिपकार्ट कैसा है, अभी ये सामान गया तेल लगाने, ये सामान गया भार में, सेलर का लॉस है, मेरा कुछ नुकसान नहीं है, सेलर का लॉस है। अभी मैं अगर इस क्लेम को एक्सेप्ट करूँ और इसके बदले में मैं इसको इसका पैसा दूँ तो मेरे को लॉस है, ठीक है ना। तो इन लोगों ने एक टीम बना के रखा है, उन लोगों को टारगेट ही दिया हुआ है आप जितना हो सके जो क्लेम है ना उसको ऐसे ही बातों में उलझा के फोर्स करके आप इसको कैंसिल करवाओ। आप अगर 100 रुपये का कोई क्लेम कैंसिल करवाते हो तो आपको शायद मेरे को ऐसा ही लग रहा है 20% कमीशन मिल जाएगा। तो ये लोग उसमें पड़ा रहता है प्रूफ करने के लिए, नहीं सेलर इज़ रॉन्ग, बाकी दुनिया सब राइट है, जो बेच रहा है वो रॉन्ग है, वो झूठा है, वो मक्कार है, ये है। तो मैंने उसको बोला भाई एक काम करो, मेरे पास एक प्रूफ है, वो प्रूफ ये है कि आप या तो आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव मेरा घर पे भेज दो, तलाशी लो, अगर सामान मिलता है तो मैं गलत हूँ और अगर नहीं मिलता है तो आप लोग गलत हो। देनी से नहीं नहीं आप कोई प्रूफ दो मेरे पास ये है। तो मेरा ये जो है ना, मैं लास्ट में बोला भैया एक बात बताऊँ, देना है तो दो, मत देना है तो मत दो, ये ऑप्शन हटा दो, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं 10 रुपये का सामान इतने में बेचा, पहले भी बेचा, मैं इसमें लॉस कवर मेरा हो जाएगा, लेकिन मेरा टाइम बर्बाद मत करो, मेरा दिमाग ख़राब मत करो। तो ऐसा चलता है फ्लिपकार्ट का बिज़नेस। और फ्लिपकार्ट का और भी एक मतलब इसका सेलर सपोर्ट 14 मिनट का ऑलरेडी हो गया है, इतना बेकार है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा लास्ट में, ये वीडियो को मतलब आपको बैठा के बैठाने के लिए नहीं, थोड़ा नॉलेज दे रहा हूँ ताकि आप लोगों का बिज़नेस जो है ना लॉस कम हो। मेरा लॉस नहीं होता है, मैं एक सेफ गेम खेलता हूँ, और मैं ट्रिक बता देता हूँ। तो इसमें और एक चीज़ मैं जो बोल रहा था, इसमें सेलर का कैसा है ना, एक बायर जो दीपेश बशीर करके जिसने ऑर्डर किया था उसने तो कैंसिल किया। जिस दिन उस बंदे ने कैंसिल किया उसके 8 से 9 घंटे के बाद रात को 11 बजे सेम टाइम सेम कस्टमर सेम प्रोडक्ट वही COD में ऑर्डर किया। तो जब भी ये ऑर्डर हुआ मेरे को नेक्स्ट डे मॉर्निंग 10 o'clock डिस्पैच करना था, नहीं तो RTT ब्रीच लग जाता है। तो मैंने उसको ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं किया, मैं सीधा सेलर सपोर्ट में एक मेल मारा, एक कंप्लेंट दिया कि दिस कस्टमर्स बिहेव लाइक अ फेक,
बिकॉज ये बंदे ने सेम प्रोडक्ट ऐसा ऑर्डर किया था, डिलीवरी के टाइम पे कैंसिल कर दिया और लिया नहीं, और आज वही सेम कैंसिल करने के 8 आवर्स के बाद बंदे ने फिर से दोबारा वही चीज़ किया है, सेम सामान। तो आफ्टर 24 आवर्स कस्टमर केयर के तरफ से कंफर्मेशन आया, नहीं सर, दिस सेलर, दिस बायर इज़ वेरी जेन्युइन, देर इज़ अ नो इश्यू, यू कैन डिस्पैच द प्रोडक्ट। आई सेड आर यू श्योर? देन अगेन वो लोग ने कहा हाँ सर, हम लोगों ने पूरा देखा, सब कुछ देखा, ये वो ये सब, ये सेलर ही सही है। तो मैंने अच्छा ठीक है, मैं समझ गया कि ये लेगा नहीं, लेकिन मैं खुद एक फ्लिपकार्ट अमेजन का बायर हूँ और मैं तरीका जानता हूँ, एक एटीट्यूड क्या होता है सच में अगर बाई करना है। तो मैंने पैकेज भेजा, ये किया, फिर सामान गया उसके पास। उधर जब जाने के बाद जब आउट फॉर डिलीवरी हुआ, इस बार उस बंदे ने क्या किया, डिलीवरी बॉय को जो क्या बोलते हैं ओटीपी शेयर करने के लिए रिफ्यूज़ कर दिया। तो बंदे ने बोला मैं ओटीपी नहीं दूंगा, तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया ऑर्डर। तो वो ऑर्डर भी मेरे पास आ रहा है, अभी कब आएगा मेरे को पता नहीं है। अब स्मार्ट गेम क्या है, स्मार्ट गेम ऐसा है, अभी ये जो कुरियर का है ना, कुरियर वाले का एक जो ऐसा नेगेटिव है, आप इसको पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हो अगेंस्ट ऑफ फ्लिपकार्ट एंड अगेंस्ट ऑफ और मतलब फ्लिपकार्ट के पॉलिसी के साथ आप खेल सकते हो। कैसे? फ्लिपकार्ट कहता है जो भी है उसका पॉलिसी साइड में रख दो, आपको क्या करना क्या है, सबसे पहले आपको कॉस्टिंग करना है। अगर सब कुछ मिला के आपका कॉस्टिंग 20 रुपया होता है, तो आपको ये चीज़ तय रखना पड़ेगा कि आप उस प्रोडक्ट से 80 रुपया निकालो, सब कुछ देने के बाद 80 रुपया निकाल लो, मतलब 80 रुपीज़ एग्जैक्ट प्रॉफिट होना चाहिए। वो सामान का प्राइस चाहे 150 रुपया क्यों ना हो जाए, आप एक बार उसको बेच दो सक्सेसफुली, वो हो जाता है। उसके बाद क्या करना है, जब दूसरा जाता है ना, आप उसके बाद प्राइस को अप डाउन करो। कोई भी कस्टमर खरीद लिया तो ले लिया, कोई भी कस्टमर ऐसा होता है कि सामान रिटर्न आ रहा है, डिलीवरी नहीं हुआ, रिटर्न आ रहा है, और हर कुरियर का यही नाटक रहता है, वो लोग तुरंत डिलीवरी करता नहीं है, क्योंकि वो लोग अपना सबका ही प्रॉब्लम है, वो लोग अपना जेब का तेल का जो खर्चा है ना वो बचाता है। तो वो सोचता है कि जब मैं आऊँगा इधर, एक साथ मैं इसको दूंगा और इसका लेके जाऊँगा, विच इज़ गुड। तो उन लोगों ने क्या करता है, उन लोगों का जो गलत तरीका है वो पहले से दिखा देता है कि हमने दे दिया है, रिटर्न कर दिया है, तो वो तो आपके पास आया नहीं। अब उस कुरियर वाले के साथ कम्युनिकेशन रखो, उसको पूछो भाई तुम्हारे पास आया, वो बोलेगा हाँ है, तो ठीक है, चुपचाप बैठो। अगर आपके पास कोई ऑर्डर है, वो चीज़ आ जाता है तो फाइन, 10 दिन हो जाता है ना, तो आप तुरंत एक क्लेम डाल दो कि मेरा सामान आया नहीं है, मेरा सामान मिसिंग है, सीधा मिसिंग है डाल दो। अगर ये सेलर सपोर्ट में ये लोग क्या करता है, कभी कभार सीधा अप्रूवल दे देता है, तो आपको उसका पैसा आपको मिल जाएगा। साथ में 10 दिन 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद ये भाई लोग वो सामान लेके आ जाता है, या बोल देता है सर गुम हो गया है, और फिर एक महीने के बाद वो सामान लेके आ जाता है, सर मिल गया है रख दो, क्योंकि वो लोग लेके कुछ करता नहीं है बेसिकली, ये रख दो आप ले लो उसको, क्योंकि हाँ चोरी है, डेफिनेटली ये एक चोरी है, मानता हूँ, क्यों ना करे। जब फ्लिपकार्ट एक इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होके सेलर को लूट रहा है, सेलर को छोड़ रहा है बीच रास्ते पे, भाई तुम मरो, तुमको जो देखना करो, तुम जब बेचोगे मेरे तरफ से मेरे को कमीशन देगी, जब मतलब भाईगिरी हो गया, तूने मेरे एरिया में बेचा है ना, मेरी जगह से बेचा है ना, मेरे को पैसा दे, नहीं बेचा है ना, चल निकल। तो दिस एटीट्यूड ये चलता नहीं है। अगर चलता है, अगर फ्लिपकार्ट खुद कर सकता है, तो हम तो फ्लिपकार्ट का सेलर है, हम भी कर सकते हैं। अगर यही चीज़ ना सब लोग शुरू कर देगा ना, मैं चाहता हूँ सब लोग शुरू कर दे, तब ये सिस्टम का बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। आज मैं इन लोगों को पूछा, आप लोग अमेजोन के जैसा OTP क्यों नहीं करते हो, कि जब आपको कोई सेलर जब रिटर्न मिलता है OTP देगा तो वो लोग उसको भेज सकता है, तो वो एवरीबडी क्लियर। तो बोलते हैं सर ये सिस्टम अभी तक चालू नहीं हुआ है, तो हाँ चालू नहीं हुआ है तो मतलब क्या है, सेलर को लूटोगे कुछ भी, मतलब आज मेरे पास जो सिग्नेचर है वो एक सिग्नेचर ऐसा है, डिजिटल सिग्नेचर ऐसा, जैसे वो गणपति का वो तिलक लगाता है ना, वैसे ये तिलक लगा हुआ, और उसको मतलब वो लड़की मेरे से फोर्स करके ये बोलना चाहता था कि नहीं वो सही है मैं गलत हूँ, तो मैंने उसको बोला आपको देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो, लेकिन मैं
प्रेशर में भी आके नहीं कहूँगा कि आप सही हो और प्रोडक्ट मुझे मिला है, क्योंकि प्रोडक्ट मुझे नहीं मिला है, जबकि मुझे पता है प्रोडक्ट सेलर कुरियर वाले के पास है। जब तक मेरे हाथ पे नहीं आता है तब तक मैं नहीं बोलूँगा कि प्रोडक्ट मेरे पास है। और एक कुरियर वाले को कोई अथॉरिटी नहीं है डिजिटल सिग्नेचर मेरे प्लेस पे, मेरे जगह पे, और मेरा अथॉरिटी दिया हुआ कोई बंदे के बजाय वो लोग करें, जब वो इलीगल तरीके से काम कर रहा है और आप उसको कवर अप कर रहे हो, तो हम भी आप जैसा ही आपको देख के हम भी चोरी करना सीखेंगे और चोरी करेंगे, और ऐसा हो रहा है। और आजकल फ्लिपकार्ट में देखो आप, अमेज़न पे ज़्यादा नहीं है, फ्लिपकार्ट में बहुत ज़्यादा होता है कि मोबाइल का ऑर्डर किया साबुन पहुँच गया, हाँ, या चप्पल का ऑर्डर किया उसमें पार्ली जी बिस्किट डाल के, शू के जगह पे पार्ली जी बिस्किट डाल के भेज दिया। ये ऐसा रीज़न इसलिए है, ये चीज़ है इसलिए होता है कि कोई भी सेलर लगातार 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 लॉस फेस नहीं करेगा। आप जब इतना बड़े अमाउंट 20% 25% का, जब इतना बड़े अमाउंट का या इतना बड़े परसेंटेज का जब कमीशन खा लेते हो, तो साथ में आपको डाइजेशन खाने के लिए भी एक गोली चाहिए, और वो गोली हम हैं, हमको देखो, सेलर को देखना पड़ता है। सेलर के साथ जब स्कैम होता है फ्लिपकार्ट को खड़ा होना पड़ेगा, अगर नहीं खड़ा होगे तो हम भी आप जैसा ही करेंगे, आपका बदनाम होगा 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 होगा, आप एक दिन बंद हो जाओगे। आज बहुत चल रहे हो, कभी कोई भी चीज़ कंस्टेंट नहीं होता है। ज़मीन के नीचे भी जहाँ पे कोयला मिलता है ना, वो कांस्टेंट नहीं है, एक टाइम में वो ख़त्म होता है, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, तो क्या होगा? अमेज़न है, दूसरा भी आ जाएगा, फ्लिपकार्ट था उसके बाद कोई आया नहीं है क्या? उससे अच्छा तो मीशो में जाके बेचो, मीशो में कमीशन ओनली 1.5 है, कहाँ पे 20% है, कहाँ पे 1.5। पॉलिसी भी उन लोगों का सही है, फ्लिपकार्ट का पॉपुलरिटी अच्छा है, तो मतलब क्या सर पे बैठ जाओगे सेलर का? बायर कुछ भी करे, बायर भगवान है और सेलर क्या मतलब वो है, गलत है। तो बिजनेस करो, तरीके से करो, मस्त करो। फ्लिपकार्ट में 10 रुपया का सामान 150 में बेचो, लूटो, वो लूट रहा है तुम भी लूटो। पब्लिक जो है खरीदता है, जिसके पास पैसा है वो डालेगा, सब में बांटेगा। सुनने में बहुत बुरा लग रहा है, एंड आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, एंड टू बी फ्रैंक, मैं ये जो बिजनेस है मैं बहुत मतलब एक शौक के लिए मैंने किया है। मेरा मेन प्रोडक्ट सेरामिक्स पे है, और मैं साथ में बहुत सारा स्टिकर वगैरह का डील करता हूँ, लेकिन मैं इस स्टिकर में इसलिए आया कि इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है। मैं देखा ये गुम भी हो जाएगा ना, तो मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सेरामिक का सामान के साथ मेरा ऐसा ही हुआ है, फ्लिपकार्ट में इतना गलत हैंडलिंग है, मैं अच्छी तरह पैकिंग करके उसमें चारों तरफ फ्रिजिल का स्टिकर लगा के मैं बेचता हूँ, सामान पहुँचता है टूटा फूटा, और वो जब सामान आता है मेरे पास क्लेम सेलर सपोर्ट का क्लेम डिपार्टमेंट मेरे को पूछता है, बोलता है कि मैन्युफैक्चरिंग के पास जाओ, मेरे पास है वो सब ईमेल, तो मतलब एक अजीब सा है। तो मैं देखा कि भाई इतना अजीब है तो हम भी अजीब बन जाते हैं, हम कौन सा मतलब दूध का धुला हुआ है इस मामले में। तुम भी, यू आर ऑल्सो ह्यूमन, आई एम ऑल्सो ह्यूमन, इफ़ यू कैन डू दैट वाई नॉट मी, लेट्स डू इट टुगेदर। किसी ना किसी दिन पब्लिक के नज़र में आएगा, सेलर लोग परेशान हैं, जब सेलर लोगों का यूनिटी बढ़ जाएगा ना, तो ये चीज़ ख़त्म होने वाला है, बिकॉज फ्लिपकार्ट इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू रन अ बिजनेस, वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू गेट ऑल टाइप ऑफ वैरायटी टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। लेकिन फ्लिपकार्ट का जो पॉलिसी है ना, या फ्लिपकार्ट का जो मैनेजमेंट है ना, इट्स जस्ट लाइक अ स्कैम, लाइक एवरीबॉडी, लाइक मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है, निकाल दो निकाल दो, उसको पैसा देने दे, सेलर को नुकसान भरना नहीं है, निकाल दो, ये चलता है इन लोगों का। और मेरा ये टेक वीडियो मेरा है, मैं टेक्निकल चीज़ भी बनाता हूँ, ये सब चीज़ में मैं बात करता हूँ, ये तो मेरे साथ हुआ है, ये बात करने का तो कुछ है ही नहीं, मेरे साथ हुआ है, और मैं इसके पहले ये सब चीज़ सुन लिया था फ्लिपकार्ट का जो सेलर है, सेलर एक्सपीरियंस। तो मैं फिर से एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि सब लोगों में पहुँचे, लोगों को थोड़ा मतलब प्लान करके बिजनेस कर सके। प्लान होना ज़रूरी है, प्लान बहुत प्लान करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, प्लान बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, सोचना बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, और जो चीप प्रोडक्ट है ना उस पे जाओ, ताकि आपको डैमेज भी हो नुकसान भी हो ना, तो आपको मतलब मालूम नहीं पड़ेगा, जाने दे ये ज़्यादा कुछ नहीं है। 2 रुपया का सामान आपका अगर नुकसान होगा तो 2 रुपया नुकसान होगा, अगर प्रॉफिट देगा तो आपको 50 रुपया प्रॉफिट देगा। ऐसा प्रोडक्ट सिलेक्ट करके बिजनेस करो, देन फ्लिपकार्ट इज़ रियली वेरी गुड। अदरवाइज़ फ्लिपकार्ट के तरफ से अगर आप कोई भी सपोर्ट एक्सपेक्टेशन रखते हो
तो भाई मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ फ्लिपकार्ट का जो सेलर सपोर्ट है वो सबसे बकवास, सबसे फालतू सेलर सपोर्ट है। तो सेलर सपोर्ट, इस चीज़ का एक्सपेक्टेशन मत रखो। बायर सपोर्ट बहुत अच्छा है, हर चीज़ का रिफंड। मैं आपको और भी एक ट्रिक बता देता हूँ, अगर आपको बिलीव नहीं है ना, वे काम करो, कोई भी एक टी शर्ट खरीदो, पहन लो, 4 दिन 5 दिन के बाद रिटर्न कर दो, एक्सेप्ट हो जाएगा, आपको मज़ा आएगा, एज ए बायर को मज़ा आएगा, लेकिन सेलर के लिए बहुत नुकसान होता है। और ये चीज़ फ्लिपकार्ट देखता नहीं है। वैसे ही आप जब अमेज़न पे जाओगे ना, अमेज़न प्लेटफॉर्म में जाके आप जब सेल करोगे ना, उसमें ये एक चीज़ है, फर्स्ट ऑफ ऑल अमेज़न पे आप डायरेक्टली सेलर सपोर्ट को, अमेज़न सपोर्ट जो टीम है, कॉल करके बात कर सकते हो, द मोस्ट पॉजिटिव साइन। और वो लोग हेल्पफुल है, कोई भी रिटर्न अगर है ना, ये भी उठा नहीं लेता है, पूछता है क्यों है, क्या है, नहीं है, फिर वेरीफाई करने के बाद वो फिर रिटर्न अप्रूवल करता है। फ्लिपकार्ट के जैसा नहीं है कि सब चीज़ का रिटर्न हो जाता है, अमेज़न पे वो चीज़ नहीं है। अमेज़न में शॉर्ट टाइम में पेमेंट भी आता है, न्यू बायर के लिए 7 डेज़ के बाद आप पेमेंट ले सकते हो, जो फ्लिपकार्ट पे नहीं है। कुरियर फैसिलिटी भी हर, बाकी तो सब सेम है। अमेज़न इज़ ए इंटरनेशनल ब्रांड, नॉट लाइक ओनली द इंडिया ब्रांड। और फ्लिपकार्ट इंडिया से बाहर जा भी नहीं सकता है, और इंडिया में ज़्यादा दिन रहेगा भी नहीं, ये लिख के ले लो। और फ्लिपकार्ट के साथ इतना कंपटीशन हो रहा है, मीशो आके फ्लिपकार्ट का मार्केट इतना ख़राब कर दिया है, और होना भी चाहिए था, जिसके लिए मीशो को किल करने के लिए फ्लिपकार्ट ने भी अभी शॉपिफाई या शॉपी करके ऐसा कुछ दिया है, जिसमें वो मीशो वाला पॉलिसी है, सेलर से लो ऐसा करके बायर करो, मतलब बिजनेस टू सेलर, आप बीच में से कमीशन ले लो, मतलब इसका स्टैंडर्ड डाउन हो चुका है। और मीशो का कैसा है, वो डाउन से स्टार्ट है, देन आज के तारीख में मीशो और फ्लिपकार्ट के अगर कंपेयर करोगे ना, मीशो इज़ बेस्ट देन फ्लिपकार्ट। तो ये चीज़ का ध्यान रखो। और प्लीज़, अगर मेरा कोई गलत इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास पहुंचा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप कमेंट्स में बताओ। वीडियो अगर ठीक लगे तो लाइक दो, और प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को। और मैं ये सब छोड़ के भी, मेरा जो मेन स्ट्रीम जो है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड पे, मैं बहुत चीज़ बनाता हूँ घर पे, जो आपको बाहर से जाके हज़ार हज़ार रुपया खर्चा करके खरीदने ज़रूरत नहीं, आप खुद बना सकते हो घर पे, फॉर लाइक एयर प्योरीफायर एंड ऑल, मेरा वीडियो भी है इस पर। स्टॉक एक्सचेंज में मैं डील करता हूँ, मेरा कोई एजेंसी नहीं है, मैं खुद ही करता हूँ, इन्वेस्टमेंट प्लान खुद करता हूँ, उसका भी मेरा वीडियो आने वाला है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। मैं चार शेयर का नाम बताऊंगा, आप खरीदो, 5 साल के लिए रख दो, भूल जाओ उसको, बाद में मेरे को याद करना, गाली से नहीं हंसी से याद करोगे। ये सब वीडियो आने वाला है, बट प्लीज़ इस वीडियो को आप समझो, प्लीज़।